नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। ब्रॉडकास्ट मंत्रा में आपका स्वागत है। कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता, लेकिन एक नगमा है, एक नाम है, एक शख्सियत है, स्वामी महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जो हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है ब्रॉडकास्ट मंत्रा में। जय श्री महाकाल। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि किन्नर अखाड़ा इस बार चर्चा में है, आपके अपने सफ़र के बारे में हमें बताइए। मेरे सफ़र के बारे में तो बहुत कुछ लिखा गया है, इंटरनेट पे बहुत कुछ है, पर धर्म की सफ़र एक वो सफ़र है कि क्या पता किसी भी इंसान को अलख जग सकता है, और जब अलख जगता है तो सब कुछ इंसान छोड़ के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। वही लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने किया। मुझे लगा कि मेरे सत्य सनातन धर्म आज भी उतना ही मॉडर्न है जितना मैं मॉडर्न हूँ, उतना ही उदार है जितना मेरे सोच का दायरा उदार है, उतना ही एक्सेप्टेंस है जितना मैं हर किसी को बहुत सहज दिल से मान सकती हूँ, प्यार कर सकती हूँ। हर एक मनुष्य के लिए स्थान है सनातन धर्म में, और अगर हमसे गलती भी हो जाए तो उसके भी तरीके हैं कि उस गलती का पश्चाताप कैसे किया जाए। तो मेरे धर्म में कोई पापी नहीं है, मेरे धर्म में कोई कलंकी नहीं है। ये सारे शब्द तो ब्रिटिशर्स ने हमारे समाज में 250 साल 300 साल तक राज करके हमारी संस्कृति आज भी जिस तरीके से कॉलोनियल है, ब्रिटिश राज के अंडर है, क्योंकि परिभाषा अंग्रेजी में आ गई तभी हमारा पतन हुआ हमारी संस्कृति का। हमें ज़रूरत है भारतीय होने का, हमें ज़रूरत है अपनी संस्कृति में लौट के जाने का। हमें संस्कृति आज, वो समय कभी नहीं था, हमारे पूर्वज ने कभी नहीं कहा कि औरत ने ऐसे कपड़े पहने तो उसका बलात्कार होना चाहिए। पर विडंबना है आज देश के कुछ नेता ऐसे भी कहने के लिए 2 मिनट सोचने का मौका नहीं गवाते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिससे अगर हम जोड़ के सोच के सोचने पे जाए तो हम कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति का पतन में, चाहे मैं हूँ या आप हो या देखने वाले, हम सभी जिम्मेदार हैं। धर्म की नई ध्वजा हैं आप। आप आदि आबादी की बात करती हैं, आप HIV की बात करती हैं, आपने ट्रांसजेंडर के हकों की लड़ाई लड़ी है, 377 के खिलाफ आपने लड़ाई लड़ी है। क्या धर्म को नई परिभाषा देने की आवश्यकता है स्वामी जी? हमारा धर्म सबसे उदार था, हमारा धर्म सबसे मॉडर्न है, और था, है और रहेगा। पर कालांतर में जिस तरीके से धर्म, सनातन धर्म को पुरुष प्रधान की परिभाषा आ गई और नारियों की जबान को दहलीजों के अंदर बंद करने का चलन शुरुआत हो गया, और वहीं हमारा पतन हुआ। और ये ज़रूरी है, इस कुंभ में आपने देखा कि सत्य, जो सत्य है वो सनातन है, वही धर्म है। परिभाषा बदलेगी, और परिभाषा बदलने का वक्त आ गया। जब स्वयं मेरे महादेव कहते बिना सती के मैं शव हूँ, तो नारियों का उनका हक क्यों नहीं मिलना चाहिए? जब स्वयं सचिदानंद स्वरूप कहते मैं एक पुरुष हूँ और पूरी प्रकृति नारी है, तो पुरुषों का किस बात का गुमान? एक नर को कितना गुमान है, मैं तो किन्नर हूँ, मेरे में कितने सारे नर हैं, तो मुझे कितना गुमान होना चाहिए? पर नहीं, मैं यही मानती हूँ कि बड़ा निवाला खा लो, बड़ी बोल ना बोलो। जिंदगी में हमारा धर्म वही धर्म है जो 5 पतियों वाली द्रौपदी को भी सती कहा, और सीता ने भी निर्णय लिया कि मेरे दरवाजे पे आया हुआ भूखा इंसान के लिए अगर मैं बनाई हुई रेखा लांघती हूँ, ये मेरा स्वयं का निर्णय है। और वो निर्णय के बाद वो पापी रावण निकला, पर उनके सम्मान के लिए रामायण का युद्ध हुआ, लंका तक गए प्रभु। और जिस तरीके से जब चीर खींचा गया भरी सभा में मेरी पांचाली का, मेरी द्रौपदी का, यज्ञ कुंड से निकली हुई द्रौपदी का, तो स्वयं नारायण आए और उसके खुले हुए केशों के लिए छाती फाड़ी गई,
और आज हमारा समाज कहाँ जा रहा है, जहाँ हजारों नारियों का इस तरीके से पतन हो रहा है। स्वयं माँ भारती, भारत माता की जय बोलने पे बहुत लोग इस पे पॉलिटिक्स करने लगते, तो इससे शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती। आज़ादी आज के युग के लोगों के लिए बड़ी सस्ती महसूस होती है, क्योंकि हम पढ़ाते नहीं हैं अपने स्कूलों में कि बच्चों को आज़ादी कैसे मिली, कि आज़ादी का महत्व कितना है, कितनी माओं ने अपने खून से सींच के भारत की आज़ादी प्राप्त हुई, कितने नौजवानों ने अपने छातियों पे गोली सहे, कितनों के घर उजड़े। आज हमारा समाज भूल गया है वो बंगाल का फैमाइन को क्या कहते हैं, अकाल, और वो जानबूझ के किया गया था हम पे, और आज भी हम वही बांसुरी गाते हैं जो ब्रिटिशर्स छोड़ गए। ज़रूरी है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो आज भी इतना कॉलोनियल दिखता है, हमारी जुडिशरी जो आज भी इतनी कॉलोनियल है, लॉ रिफॉर्म्स के जो आए थे, सजेशन हुआ था, वो होना चाहिए, तभी भारत एक नया भारत होगा। सैनिकों के बलिदान, नौजवान जो सैनिक बन के सरहदों पे खड़े हैं, उनकी फैसिलिटीज़, ये सब चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि सरकारों को बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट के पीछे। देखिए, कोई भी डेवलपमेंट इज़ नॉट द जीडीपी ग्रोथ डेवलपमेंट। जीडीपी बढ़ता घटता रहेगा, पर डेवलप नेशन वही होगा जब ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, और ह्यूमन डेवलपमेंट करने के लिए हमें स्वयं सक्षम होना पड़ेगा, हमें स्वयं स्वावलंबी तरीके से अपने आप को समाज के आगे पेश करना पड़ेगा। आपका अखाड़ा, किन्नर अखाड़ा में खूब चहल पहल रही, सबसे ज़्यादा यहाँ पर भीड़ रही। मैं ये जानना चाहता हूँ, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी कैसे महामंडलेश्वर तक पहुँची, कौन सी ऐसी घटना, आचार्य महामंडलेश्वर तक पहुँची, ऐसी कौन सी घटना जिसने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया कि आज समाज को दे रही हैं आप? देखिए, मेरी स्वयं की आत्मसम्मान की लड़ाई थी। जब हज़ार साल पहले तुलसी गोस्वामी तुलसीदास प्रभु लिख के जा सकते हैं, देव दनुज किन्नर नर श्रीणी, क्या लिखा उन्होंने, देव दनुज किन्नर नर श्रीणी, सादर मजही सकल त्रिवेणी। तो मैंने अपना हक ही तो मांगा, मैं किसी दूसरे के हक के पीछे तो नहीं पड़ी, और मैं ना किसी दूसरे का स्थान मांगी, जो मेरे बुज़ुर्गों का स्थान था वही मैंने मांगा, और वही मैं लेके दम पाई। तो लक्ष्मी में कुछ बदलाव नहीं हुआ, मैं तभी भी एक्टिविस्ट थी, आज भी एक्टिविस्ट हूँ, और कल भी रहूँगी। मुझे हिचक नहीं होती, मैं आज भी HIV के बारे में बोल सकती हूँ इस गद्दी पे बैठ के, क्योंकि आज भी सेफ सेक्स के बारे में बोल सकती हूँ, आज भी सेक्स एजुकेशन के लिए मैं पहल कर सकती हूँ। ये आचार्य गद्दी है, मुझे समाज में जो सही ज्ञान है वो बांटना ज़रूरी है, और स्वस्थ रहेगा मेरा समाज तभी तो समाज आगे बढ़ेगा। आने वाले कल को सारा ज्ञान रहेगा तभी तो अपना रक्षा कर सकते हैं बच्चे। और जो धर्म, हमारे धर्म के चार स्तंभ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जब सब चीज़ है उसी में, तो हम अपने धर्म को ही अगर आगे लेके सिस्टम्स बनाएं तो हम सबसे मॉड हैं। आचार्य महामंडलेश्वर जी, आप ये कह रही हैं कि धर्म की नई परिभाषा गढ़ने की आवश्यकता है समाज। नई परिभाषा नहीं, जो पुरानी थी उसे नए रूप से बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि कालांतर में वो परिभाषा बदल गई। जो पुरानी थी वही परिभाषा को नई तरीके से बोलना ज़रूरी है, नए मुखार बिंदु से बोलने की ज़रूरत है। उसे लक्ष्मी की ज़रूरत नहीं, वो दूसरे भी जा सकते हैं। देखने को धर्म की आवश्यकता है। पारिवारिक अगर हम देखें कि कैसे शुरुआत, वो बचपन के दिन अगर आप याद करती हैं और आज के दिन लिखा हुआ है, प्लीज़ देखिए, मेरे बचपन से लेके जवानी तक की कहानी मैं हिजड़ा में लक्ष्मी वाणी प्रकाशन में है, वाणी प्रकाशन ने पब्लिश की, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने पब्लिश किया, मराठी में है, हिंदी, गुजराती, मराठी, इंग्लिश, रेड लिपस्टिक मैन इन माई लाइफ, पेंगुइन रैंडम हाउस की किताब है,
मेरी ज़िंदगी बहुत खुली किताब रही है, जिसे जानना है वो पढ़ ले, सब कुछ आप ही के चैनल से बताऊंगी तो मज़ा कहाँ रह जाएगा। आचार्य महामंडलेश्वर जी के सपनों का भारत क्या है? मेरी सपनों का भारत तो वही है जो मेरे बुज़ुर्गों ने बनाया था और जो भारत लूटा गया। सोने की चिड़िया कहलाने वाली भारत वापस सोने की चिड़िया बननी चाहिए। और तो हम तो विश्व गुरु हैं, थे और रहेंगे। पहले राजनेता धार्मिक गुरुओं के पास जाते थे, आज धार्मिक गुरु नेताओं के पास जा रहे हैं, ये उल्टी गंगा कैसे बहने लगी? वो जो जाते होंगे वो उनसे पूछे, मैं किसी के पास नहीं गई। क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को, आधी आबादी को? मैं यही कहूँगी कि स्वयं से प्रेम करना सीखे, स्वयं पे विश्वास करना सीखे। तकदीर ऊपर वाला देता है, हम अपने तदबीर से अपनी तकदीर को बदलते हैं। ये तो उर्दू जबान हो गई। और अगर हम धर्म को लेके चले तो अगर ये कहना कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, कर्म से बड़ा कोई भगवान नहीं, कर्म से बड़ा, अच्छे कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। कर्म ही फल देता है, इस युग में कर्म ही प्रधान है और हमें कर्म करते रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी आचार्य महामंडलेश्वर, जो कह रही थी कि अगर आपका कर्म ही उपासना बन जाए तो कोई भी जीवन में संकल्प पूरा हो सकता है। तो आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ।